हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल स्टार्ट अवर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, हम एट्थ तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते अपने सोशल स्टडीज़ में। हम एट्थ तक सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स पढ़ते हैं, बट फ्रॉम नाइन्थ हमारा एक और पार्ट ऐड हो जाता है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, जस्ट लाइक हम ज्योग्राफी में हमारा अर्थ सरफेस पढ़ते हैं, हमारे लोकेशंस पढ़ते हैं। ओके, सिविक्स में हम पॉलिटिकल लाइफ को, डेमोक्रेटिक को पढ़ते हैं, और फिर हिस्ट्री में हम हमारे पास्ट में क्या हुआ वो पढ़ते हैं। ओके, तो अभी इकोनॉमिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स को एज अ हमारे सब्जेक्ट क्यों लिया गया? बिकॉज स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं हमारे डेली लाइफ, हमारी लाइवलीहुड कि किस तरह से हमारी इनकम जनरेट होती है और कैसे फिर हम उसे एक्सपेंस करते हैं और कैसे फिर हमारी पूरी इकोनॉमी में वो मनी रोटेट होती है। ये सब हम कहाँ पे पढ़ते हैं? ये सब हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ओके, सो अभी आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स क्या है और हम इसमें क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, बिल्कुल इजी होती है, क्योंकि आपके डेली लाइफ में आपके साथ क्या होता है ना, ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ते हैं। पूरी एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो रही है, राइट? तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम पढ़ते हैं हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। ओके, सो कम टू द पेज नंबर 1, चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पलमपुर। ठीक है, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक स्टोरी समझाई गई है हमें हमारी इकोनॉमी एज अ पलमपुर को लेते हुए एग्जाम्पल में। ओके, सो क्या है द पर्पज ऑफ दिस स्टोरी? इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड दिस विज थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पलमपुर। दैट मीन्स हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, जो एग्जिस्ट नहीं करता बट हम उसे इमेजिन कर रहे हैं। सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स की मीनिंग टर्म समझाने के लिए आपको इमेजिन कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो गांव था पलमपुर, वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती थी, है ना? और वहाँ पे एक्टिविटीज़ कैसी कैसी होती थी? वहाँ पे फार्मिंग होती थी। मोस्ट ऑफ द पलमपुर की जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो विलेज के लोग हैं, वो सब अपने लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे। बट फार्मिंग में सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करना और एग्रीकल्चर ही नहीं आता, फार्मिंग में हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, है ना, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और हमारा फिशिंग, ये सारी चीज़ें, हमारे एनिमल हंटिंग, ओके, एनिमल रियरिंग, ये सारे हमारे फार्मिंग का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग यानी छोटी छोटी सी चीज़ें बनती थी, डेरी थी, ट्रांसपोर्ट भी था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स नहीं है, सब था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होती थी ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो पलमपुर था वो काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड विलेज था। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल सन्नाटे में था तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं था, बिल्कुल था। वहाँ पे रोड्स भी कनेक्टेड थे, ट्रांसपोर्टेशन का भी था, राइट? और उनके 3 किलोमीटर के डिफरेंस में पलमपुर के 2 विलेजेस थे, दैट इज़ रायगढ़ और शाहपुर। ठीक है, ये उसके नेबर विलेजेस थे। ठीक है, जहाँ तक जाने के लिए जो रोड कनेक्टेड थे, वहाँ पे कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे? बुलेट कार्ट, टांग टोंगास, है ना, वुडन कार्ट, ये सारी जो है, ये सारे हमारे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेस थे। ओके, इस विलेज में 450 फैमिलीज रहती थी। ठीक है, इस विलेज में टोटल 450 फैमिलीज थी पलमपुर में, जिसमें से 80 फैमिलीज अपर क्लास थी, काफ़ी ज़्यादा रिच थी, उनके पास खुद की लैंड थी। ठीक है, उसकी 450 का 1/3, दैट इज़ 150 वहाँ पे फैमिलीज कैसी थी? दलित थी, जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं था। ओके, वो कैसे हाउसेज में रहते थे? मड और स्ट्रॉ के हाउसेज में रहते थे। स्टूडेंट्स, अंडरलाइन करते जाइए आप इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, पलमपुर में ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी विलेज था तो वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल थे और एक हाई स्कूल भी था। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था एक, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी जहाँ पे बीमार लोगों, पेशेंट्स की को ट्रीट किया जाता था। ओके,
द स्टोरी ऑफ पलमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, वो एक इमेजिनरी विलेज था जिसमें वहाँ पे हर एक चीज़ हमने लगाई है, दिखाई है, जैसे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोनों बताई हैं। अच्छा, अभी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से क्या समझते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके इन रिटर्न हमें मनी मिलती है, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज होती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सर्विसेज देते हैं हम, ठीक है, उन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है, राइट। उसके बाद टर्न द पेज। अब हम आते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। बच्चा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं पहले आप ये समझो। देखो, किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो फैक्टर्स हमें नीडेड रहते हैं, दैट फैक्टर्स आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चार होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब क्या कि हमारा सबसे पहले अगर हमें मुझे प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो मुझे लैंड चाहिए, उस पर वर्क करने वाले लेबर चाहिए, मुझे उस पर लगाने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल इन टर्म्स लाइक मनी, एसेट्स, कुछ भी ले सकते हैं हम, राइट। और एंटरप्रेनर चाहिए। एंटरप्रेनर क्या होता है? एंटरप्रेनर इज़ अ पर्सन हु इज़ रेडी टू टेक रिस्क, ठीक है, जो बाकी के तीन फैक्टर्स को चलाता है, बाकी के तीन फैक्टर्स को हैंडल करता है, दैट पर्सन इज एंटरप्रेनर। ओके, आप इन सिंपल मीनिंग में कह सकते हो ओनर। ओके, सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमें लैंड की, सेकेंड होती है लेबर की, थर्ड रिक्वायरमेंट होती है हमारे कैपिटल की। अब कैपिटल दो तरह के होते हैं, दैट इज फिजिकल कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हमें लॉन्ग टाइम टर्म तक बिजनेस को हेल्प करने में काम आता है। जस्ट लाइक अगर आपने फर्नीचर लगा दिया, हमने स्कूल स्टार्ट किया, हमने फर्नीचर लगा दिया, हमने ब्लैक बोर्ड्स लगा दिए, तो ये हमारे फिक्स्ड कैपिटल है बिकॉज ये हमारे लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हैं, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ऐसी कैपिटल जो ड्यूरिंग द बिजनेस हमें काम आता है, लाइक बिजनेस की चल रहा है, हमारा कमर्समेंट स्टार्ट हो गया है, वो चल रहा है चल रहा है, और इन बिटवीन हमें जो थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है और कुछ रॉ मटेरियल्स हमें लगाने पड़ते हैं, है ना, प्रोडक्शन के लिए हमें बार बार रॉ मटेरियल लगाने पड़ेंगे, दैट आर वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट हमारा एक टर्म आता है, दैट इज एंटरप्राइज और नॉलेज। दैट मीन्स हमारा फोर्थ फैक्टर है कि लैंड, लेबर और कैपिटल तो है, बट उसे संभालने वाला एंटरप्रेनर होना चाहिए जो बिजनेस को रन करेगा और अपनी नॉलेज और अपने आइडिया से उसे डेवलप करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, बट ह्यूमन कैपिटल होता है जो एज अ एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज अपनी नॉलेज को लगाता है, अपने आइडियाज़, अपनी टेक्निक्स को लगाता है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ओके, आफ्टर दैट एवरी प्रोडक्शन हमें इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मुझे प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जितनी भी चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं और नीडेड रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है जिनकी, वो होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मैंने तो आपको बता ही दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड होगी हमारी, लेबर्स होंगे, कैपिटल मेरी दो तरह से हो सकती है, फिक्स्ड एंड वर्किंग, और मेरा ह्यूमन कैपिटल, एंटरप्राइज, नॉलेज, आइडियाज। ओके, देन है हमारा फार्मिंग इन पलमपुर। पलमपुर में फार्मिंग कैसे होती थी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताऊंगी कि पलमपुर में पैसे कैसे जनरेट करते थे और किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करते थे वो लोग, अपनी लाइवलीहुड बेसिकली कैसे वो रहते थे, क्या खाते थे, कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहले, सबसे पहले जो पॉइंट आएगा, दैट इज फार्मिंग इन पलमपुर। ओके, तो उसका पहला है कि लैंड इज वेस्ट, ठीक है। हमारी फार्मिंग के लिए बेटा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या होता है? लैंड। हमारे पास प्रोडक्शन के लिए लैंड होनी चाहिए। ओके, सो वहाँ पे
75% जो थे वो डिपेंडेंट थे अपने फार्मिंग पे, अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। उनको वो फार्मिंग करके ही अपना सारा पैसा कमाते थे और उनको खर्च करते थे, ठीक है, और खेती बाड़ी वगैरह करते थे वहाँ पे, है ना। और वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे जो वेस्ट लैंड थी विलेज की, उसको कन्वर्ट करते थे कल्टिवेबल लैंड में। कल्टिवेबल लैंड मीन्स उपजाऊ ज़मीन में, ठीक है। और क्योंकि उन लोग वहाँ पे जो लैंड थी वो फिक्स थी, वो इंक्रीज तो हो नहीं सकती थी, और उस फिक्स लैंड में से काफ़ी सारा पार्ट तो महाजन्स जो 80 फैमिलीज थी उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, और बाकी की जो लैंड बचती है वो थोड़ा 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 करके सारे फार्मर्स ने अपने आप में डिवाइड करके रखा था, ओके। सेकेंड है, इज देयर अ वन कैन ग्रो मोर देन सेम लैंड। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या, क्योंकि अब उनके पास लैंड थी फिक्स थी, उनके पास ज़्यादा लैंड नहीं थी, तो क्या एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं? तो यस स्टूडेंट, हम कर सकते हैं, बिकॉज कुछ क्रॉप्स होते हैं जो हमारे सीजन वाइज आते हैं। तो जैसे एक सीज़न खरीफ क्रॉप्स हमारे रेनी में रहते हैं, एंड आफ्टर दैट हमारे जो पोटैटो है वो अक्टूबर से दिसंबर में होता है, विंटर सीजन में, दैट इज़ रबी। उस पर हम वापस से वीट को ग्रो कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, सीजन बाय सीजन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली मंथ में वहाँ पे एक ही साल में 2 से 3 क्रॉप्स को ग्रो करते थे, और जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के बाद उस बाकी की जो बची हुई वीट या फिर क्रॉप्स होती थी उनको वो रायगढ़ और अपने नेबरिंग विलेजेस थे शाहपुर और रायगढ़, वहाँ जाके सेल आउट करते थे फॉर जनरेट मनी, ओके। द मेन रीजन्स वाई फार्मर आर ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर पलमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अच्छा, दूसरा रीजन था कि वो एक ही ज़मीन पे 2 से 3 क्रॉप्स कैसे ग्रो कर पाते थे, क्योंकि हमारा जो पलमपुर था वहाँ पे इरिगेशन की प्रोसेस, देखो बच्चा इमेजिनरी विलेज है, हम सब अज्यूम कर सकते हैं, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी थी, है ना, वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आती थी, वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन अच्छी होती थी, तो उसके कारण सॉइल फर्टाइल रहती थी, सॉइल फर्टाइल होने के कारण वहाँ पे लैंड फर्टाइल रहती थी, सो दैट वहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं और 2 से 3 क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद वहाँ पे जितनी भी लैंड थी उसमें से 450 फैमिलीज में से 80 फैमिलीज ने तो अपना ज़्यादा ज़्यादा लैंड ली हुई थी, क्योंकि वो महाजन थे, 150 के पास तो लैंड ही नहीं थी, बाकी के जितनी लैंड बची हुई थी उससे बाकी के फार्मर्स ने 2 हेक्टर के हिसाब से अपने आप में थोड़ा 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 बांट के रखा था, ओके स्टूडेंट्स। सो टर्न द पेज एंड कम टू द पेज नंबर 4। उसके बाद अब धीरे 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 जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ठीक है, अब जब उनको ये नॉलेज हो गई कि हम अपने बेसिक नीड्स के अलावा भी हम मनी जनरेट कर सकते हैं उन क्रॉप से, क्योंकि अब क्रॉप ज़्यादा हो रही हैं तो हम रायगढ़ और शाहपुर में उसे बेच सकते हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ पे HYV का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। HYV क्या होता है बच्चा, हायर ईल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, दैट मीन्स अच्छी वैरायटी की सीड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो लोग सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी नेचुरल फार्मिंग, लेकिन अब उन्होंने प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए टू जनरेट द इनकम, टू जनरेट इकोनॉमी, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने HIV का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जो कि 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ था एक ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमें यही बताया गया था कि अगर हम HYV का यूज़ करते हैं, है ना, तो और उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होने की चांसेस हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा दैट मीन्स वीट और राइस को हम ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर पाएंगे और उसके इन रिटर्न हमें मनी मिलेगी, ओके। तो वहाँ पे अब उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स को डेवलप करना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। उसके साथ साथ उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ करना स्टार्ट किया, ओके। हायर ईल्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एटेस्ट्रा, बिकॉज
अगर मुझे हायर यील्ड चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मुझे सबका कॉम्बिनेशन चाहिए, हायर यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का, इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का। ठीक है, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश आर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग, और इस वाली जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसे हम मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं, जिसमें हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं, ये हमारी मॉडर्न फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारी जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी है, उन्होंने सबसे पहले से इंट्रोड्यूस किया था, इसका यूज़ करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद पलमपुर ने भी जब इसका यूज़ किया तो पहले जब वो लोग ट्रेडिशनल वैरायटी से ग्रो करते थे वीट को, तो वो 1300 केजी सिर्फ ग्रो कर पाते थे, बट अब जब उन्होंने मॉडर्न का यूज़ कर दिया तो वो 3200 केजी एक हेक्टर पे ग्रो करने लगे। तो जैसे ही उनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होता गया वीट का, तो उस तरह से फार्मर्स अब क्या करने लगे, ज़्यादा पैसा कमाने लगे उनको मार्केट में सेल करके। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।